वेलकम टू मनीषाज किचन। आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेक चॉकलेट गनाश एंड केक कॉलर। इफ यू वांट टू नो हाउ टू मेक अ केक फ्रॉम स्क्रैच, उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हमें चाहिए डार्क चॉकलेट, ये कुकिंग चॉकलेट है। इसको हम 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे। आप डबल बॉयलर में भी मेल्ट कर सकते हो इनको, और अगर नहीं होता है तो आप फिर से इसको 10 सेकेंड रख के फिर से इसको मेल्ट कर लें। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें। फिर इसमें हम ये क्रीम डाल देंगे, ये नॉर्मल क्रीम है, अपनी कुकिंग क्रीम है। फिर आप इसको खूब अच्छे से विस्क करें। इसमें बटर डालना है, आप बटर से इसमें शाइन बहुत अच्छी आएगी। गनाश अब थोड़ी देर में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। एक केक बोर्ड पे मैं बटर आइसिंग लगा रही हूँ। बटर आइसिंग की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, अभी आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगी। केक को मैंने ऊपर से थोड़ा कट कर दिया है, उसको बराबर लेवल में करने के लिए। अब मैं इसमें ये शुगर सिरप डाल दे रही हूँ, इससे केक मॉइस्ट रहता है। इसको आप अच्छे इवनली स्प्रेड करें अच्छे से। अब मैं इसमें ये बटर आइसिंग लगाऊंगी। बटर आइसिंग मैंने कोन में डाल दिया है इसलिए कि जैसे ये इवनली इसमें स्प्रेड कर सकें। आप इसकी जगह चॉकलेट गनाश भी लगा सकते हो, बट जब हम केक काटते हैं तो ये बहुत अच्छा इसका लुक आता है, इसलिए मैंने ये बटर आइसिंग लगाया। इसका हम थिन लेयर लगाएंगे। आप इसको इवनली स्प्रेड कर दो। ये अच्छे से हो गया है। अब मैं इसमें अपना सेकेंड लेयर लगा रही हूँ केक का। इसमें भी हम वैसे ही शुगर सिरप लगाएंगे। ये जहाँ आपको लग रहा है कि बटर आइसिंग नहीं लगी हुई है ढंग से, तो आप उसको वैसे दोबारा लगा सकते हो साइड से। अब मेरा गनाश भी ठंडा हो गया है। अब मैं इसको नाइफ से लेके इसमें स्प्रेड करूँगी। ये आराम से बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाता है। साइड्स में भी आप इसको लगाएं। अच्छे से इसको कवर कर लेंगे हम। आप इसको राउंड राउंड घुमाते हुए अच्छे से इक्वल कर लें।
अब मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी। अब हम चॉकलेट कॉलर बनाएंगे। उसके लिए मैंने बटर पेपर लिया है, मैंने उसको इक्वली केक के मेजरमेंट से काट लिया है, थोड़ा सा बड़ा काटा है। अब मैंने डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लिया और उसको मैंने कोन में डाल लिया है। अब उसमें मैं ये ज़िगज़ैग पैटर्न बना रही हूँ। बेसिकली आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो। मैंने इसमें फ्री हैंड लाइंस ड्रॉ किए हैं, आप चाहें तो इसमें प्रॉपर सिमेट्रिकल लाइंस बना सकते हैं। ये सिर्फ डार्क चॉकलेट है, मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला है। जब ये थोड़ा सा सूख जाए, जब आपके हाथ में नहीं चिपके, तो आप इसको उठाकर केक पे लगा दें, जैसे मैं लगा रही हूँ हल्के हाथों से, और इसको धीरे धीरे प्रेस कर लें पूरे केक को रैप कर लें। थोड़ा सा साइड का कॉर्नर छोड़ा हुआ है मैंने ताकि हम इसको इजीली अनरैप कर सकें। अच्छे से मैंने हल्के हाथों से इसको प्रेस किया है। अब मैं इसको 15 to 20 minutes के लिए फ्रिज में रख दूंगी। हो गए हैं 15 minutes, मैं अब इसको हल्के हाथों से अनरैप कर रही हूँ। बहुत धीरे धीरे इसको करें आप। हल्के हाथों से करें, नहीं टूट सकता है ये। अब मैंने एक पाइपिंग बैग में स्टार नोजल डाला है, उसी में मैंने गनाश डाल लिया है। अब उसको मैं नीचे स्टार नोजल से डेकोरेट कर रही हूँ, ऊपर भी मैंने उसी से किया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। स्लाइस भी मैंने काट के आपको दिखाया, तो ये बटर आइसिंग कितनी अच्छी लग रही है उस पर। जब आप केक बनाएं तो इसे ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।